अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ अरसलान। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, आपको गारंटी से समझ आएगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है कि क्या होता है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है। मैट्रिक्स के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, टाइप्स के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। आज जो है वो डिटर्मिनेशन निकालना बताएंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब उसका डिटर्मिनेशन कैसे लेते हैं। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं आएगा तो तब तक आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी इसी में आ जाता है। देखिए कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है जी, ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ जी, ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले जी इसको हमने लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेशन लेना है 2x2 का। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेशन कैसे लेंगे जी, जरा गौर से देखें कि हमने क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेशन आ जाएगा जी। मल्टीप्लाई करें 1 × 4, दरमियान में ऑलवेज जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 2 के साथ। ठीक है, सो 4 − 6, तो −2 इज योर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो आपने किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने डिटर्मिनेशन निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करेंगे 2x2 उसका सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बताऊंगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर। ठीक है, ये अब आप डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो याद रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेशन जैसे कि आपने सीख लिया है। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपने याद रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लेट किया हमने कि एक ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम इक्वल हैं, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द ए, डिटर्मिनेशन ऑफ द ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि लेट सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 1 0 2 0 एक हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेशन लेते हैं। इसका हम डिटर्मिनेशन कैसे लेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 × 0 प्लस माइनस का हमेशा साइन आएगा, 0 × 2 आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये भी 0 आ गया, −0 आ गया, तो फाइनल आंसर इज 0। जिसका डिटर्मिनेशन क्या आएगा, 0 आएगा, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और एनी मैट्रिक्स, ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आएगा। लेट्स सपोज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जैसे कि 1 2 3 एंड 4 है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेशन लेते हैं। जो डिटर्मिनेशन आपने इस तरह से देना है, ठीक है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस, लेट्स सपोज यहाँ पर एक माइनस का साइन आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 और −2। ठीक है, अब जरा इसको करें तो ये 4 आ गया माइनस, और ये माइनस प्लस 6, तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो जब इसका डिटर्मिनेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो डिटर्मिनेशन है वो इक्वल टू 0 नहीं आया, तो दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो 0 आ गया है, इक्वल टू 0 आ गया है,
तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. ठीक है, और जो दूसरे वाला है ये वाला, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो आपने याद रखना है जब भी डिटर्मिनेशन आपने निकालना है तो उसको हमेशा डिनोट करना है डी ई टी इंटू ए. ठीक है, इसको आप इससे डिनोट करते हैं या फिर ये साइन से आप डिनोट करते हैं. ठीक है, या फिर आप इसको डी ई टी लिख के ए, या कोई भी नेम जो आपने मैट्रिक्स का नेम दिया हुआ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो ये थे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे इजाज़त.